नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। तो लगातार ऐसी हस्तियों से हम मिलवाने की आपको कोशिश करते हैं जो उन्होंने बहुत कम समय में और बहुत कम उम्र में अपना नाम किया। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है रेणुका पवार और विलियंस में उनके फॉलोवर्स और लाइक और गानों की तो क्या ही कहना, यानी कि यूँ कहा जाए कि हरियाणा की शान है। कैसी हैं रेणुका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार सभी को, मेरी तरफ से राम राम जी। रेणुका जी, क्या कहेंगे, पहला गाना जब आया, कैसे लिखा, कैसे बना और कैसे आपने कभी सोचा था कि इस मुकाम तक? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सब भगवान का प्यार है और आप भगवान का आशीर्वाद है और आप सबका प्यार है और बस यूं ही बरकरार रखिए और हम ऐसे ही मेहनत करते जाएंगे और आप सबका प्यार यूं ही मिलता जाएगा। शुरुआत की कैसे हुई? बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा समझिए आप, थोड़ा शॉर्ट में जो बता सकते हैं। हाँ जी, बस यही है, स्ट्रगल करते करते तो बहुत सारे गाने किए, फिर 52 गज का दामन गाना आया, मुकेश भैया ने लिखा है और उन्होंने लिख के बोला था मुझे कि हम कुछ बहुत बड़ा करते हैं और सच में बहुत बड़ा हो गया है, गाना बिलियन हो गया है। तो बस उसके बाद ऐसे ही नॉर्मल करते रहे गाने और बस करे जा रहे हैं आज भी। मतलब जो गाना रात को या फिर एक दिन पहले डाला, अगले दिन जब सो के उठी होंगी तो जब पता चला कि वो जो है बिलियंस में, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि आज डाला और कल बिलियन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ में मेहनत लगती है, जैसे आप फल लगाते हैं तो फल में भी पहले वो पकता है, आम पहले हरा होता है फिर पकता है, तो ऐसे ही पहले गाना डाला फिर 1-1.5 महीने बाद वो जाके कहीं उठा। अच्छा, अब तक कितने गाने जो है रेणुका जी, अब लेटेस्ट जो है अभी क्या करने जा रही हैं? जी, अभी मेरा एक भजन आने वाला है राजवंशी जी के साथ और मैं खुद के चैनल पे भी गाने कर रही हूँ तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अच्छा, रेणुका पवार को दर्शक ये जानना चाहते हैं, पसंद क्या है? भगवान पसंद है। रेणुका पवार को खाने में क्या पसंद? सादा घर का खाना, दाल रोटी चावल। लेकिन कई बार मतलब ऐसा होता होगा कि काम के ऊपर होते होंगे तो क्या अवेलेबल हो जाती है? नहीं, मतलब बहुत मुश्किल होता है वैसे तो, क्योंकि मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाती और जब बाहर रेस्टोरेंट में जाना होता है तो पहले बोलती हूँ कि क्या लहसुन, बिना लहसुन प्याज के खाना मिल सकता है? तो अगर हाँ करते हैं तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। नहीं, तो भूखा रहते। नहीं, भूखा नहीं रहते, मजबूरी में फिर वो प्याज वाला खाना पड़ता है। रेणुका पवार के फेवरेट एक्टर कौन? अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर। दोनों का एक साथ ही बता दिया वो टाइमिंग जो है वो बचा रही हैं रेणुका जी, थोड़ा जल्दी में है। तो क्या कहेंगे रेणुका जी दर्शकों को जो है वो अपना एक गाना जो है कोई सा जी? गांव में होवे गाज खुड़का जूती मड़कण आली, पैर छिड़ेगी बउआ में तकरार, जमे हवा की दरिया लहरों, सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। थैंक यू। आज आपको लग रहा होगा रेणुका इतने जल्दी, क्योंकि वो इसलिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरे फेस पे भी दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल, जो है तबीयत जो है वो ठीक नहीं है बहुत, यहाँ पे एक कार्यक्रम में जो है वो रेणुका जी पहुँची। रेणुका जी, सबसे बड़ा सवाल जो दर्शकों के मन में ये रहता है कि आगे का क्या सोचा है, आगे बॉलीवुड तक जाने का मतलब कुछ वो है या फिर हरियाणा इंडस्ट्री में ही आप अपने हरियाणा इंडस्ट्री को बॉलीवुड के लेवल पर लेके जाना है, ये ड्रीम है। हरियाणा का कौन सा ऐसा आर्टिस्ट या कौन सा ऐसा सिंगर था जो रेणुका पवार का मतलब आइडल रहा हो? देखिए, यहाँ पे सब मेरे मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं और सबको देख के मैंने सीखा है हमेशा। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती क्योंकि जितनों से भी मैं मिली हूँ कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। अच्छा रेणुका जी, कहीं ना कहीं हरियाणा की जो इंडस्ट्री है अगर बात की जाए गानों की, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गंदगी जो है वो हरियाणा के गानों में ज़्यादा जो है परोसी जाती है, जैसे कि गुंडागर्दी वाले जो है वो ज़्यादा बोले जाते हैं या फिर देवर भाभी के ऊपर जो है इस तरीके के गाने, क्या लगता है? देखिए, वो पहले की चीज़ पता नहीं मुझे थी, क्योंकि मैं तो अभी खुद भी बच्ची हूँ, पर जैसे जब से मैंने स्टार्ट किया है, मैंने मतलब ये नहीं कहूँगी कि मेरे आने से ही हरियाणा अच्छा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जब से मतलब मैंने देखी है वो चीज़, तो तब से जिन से भी मैं मिली हूँ, चाहे आप किसी को भी ले लो, सपना मैम, दिलेर भाई, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, गुलजार भाई, तो वो सब अच्छा करते हैं। और बात रही गुंडागर्दी की गानों की, तो वो लोग पसंद करते हैं और पंजाब में भी चलते हैं वो, तो ऐसा नहीं और हरियाणा में। और जैसे गंदगी वाली चीज़ कोई कुछ नहीं है, आप अभी पिछले गाने सारे उठा के देखो, सब ने इतने अच्छे अच्छे गाने किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे गाने आते हैं। लेकिन ये कहा जाता है ना कि हथियारों को ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाता है पंजाब और हरियाणा। देखिए, मैं अकेली खुद डिसाइड नहीं कर सकती वो चीज़,
है ना, ना मेरा कोई हक है डिसाइड करने का कि रेणुका बता सकती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं खुद वो चीज़ नहीं बदल सकती क्योंकि वो सबको पसंद आता है, और वो सिर्फ हरियाणा में नहीं है, वो हर जगह है, वो हर जगह। बिल्कुल, हरियाणवी इंडस्ट्री में आप हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? प्यार और अपनापन बहुत है। रेणुका जी चलिए ठीक है, क्योंकि आप हरियाणा इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, आप जो है एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार हैं। ये कहा जाता है कि एक कलाकार भी किसी का नहीं होता है, और जो देश के लिए गौरव लेके आते हैं, देश का जो सम्मान करते हैं, वो भी सबके सांझे होते हैं, किसी एक धर्म जाति से उससे नहीं आते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो देश के अंदर अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, आपने सुना होगा कि हमारे कुछ पहलवान जो हैं, महिला पहलवान जो हैं, वो वहाँ पर जंतर मंत्र पर धरने पर बैठी हैं। क्या लगता है महिलाओं के लिए सुरक्षा सरकार को किस तरीके के कदम? देखिए मैं मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है उन चीज़ों के बारे में, तो अभी मुझे पूरी तरीके से बात नहीं पता है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मुझे नहीं पता। बाकी हमेशा मैं महिला के लिए तो मैं हमेशा सपोर्ट में हूँ, हमेशा। रेणुका जी हमारे साथ देखिए जुड़ी हैं, और एक बहुत ही अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छी कलाकार हैं। अपने गानों के ज़रिए जिस तरीके का संदेश जो है वो समाज में इन्होंने दिया है, वो भी अगर बात की जाए तो काबिले तारीफ़ है। फिर से एक बार जो है रेणुका पवार से दोबारा मिलेंगे, और आगे की कुछ और दिलचस्प बातें भी उनके साथ करेंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।